सीधी तस्वीर। ऐसा होता है जब हमारी सोसाइटी भी सेलिब्रेट करती है और हमारा बिजनेस भी सेलिब्रेट करता है, और इस बार ये 23 अगस्त से ही शुरू हो गया है। और ये सेलिब्रेशन है चंद्रमा पर चंद्रयान के पहुंचने का। भारत के लूनर मिशन की सफलता में हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन साथ ही इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे एमएसएमईज ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है। और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। ये सेलिब्रेशन एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्रोग्राम चलाने का है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वेलिटी लाने का है। और यही तो इस G20 समिट की थीम है, रेस। इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड इक्वेलिटी, एंड इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। इट इज अबाउट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फ्रेंड्स, वैसे तो G20 के थीम रेज में आई है, आई इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं इसमें इनोवेशन के साथ ही एक और आई को भी देखता हूं, और ये आई है इंक्लूसिवनेस। हमने अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की स्थायी सदस्यता के लिए इस विजन के साथ इनवाइट किया। G20 में भी अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक फोकस एरिया रखा गया है। भारत का मानना है कि ये फोरम अपनी अप्रोच में जितना इंक्लूसिव होगा उतना ही बड़ा इसका इंपैक्ट होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने, ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने और यहां लिए गए फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन में हमें उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, कहते हैं कोई भी आपदा आती है, बड़ा संकट आता है, तो वो हमें कुछ न कुछ सबक देकर जाता है, सिखाकर जाता है।